नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट स्तर हो रही है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज आप लोगों को इस वीडियो में हम घरेलू हाथ की बनी हुई देसी मथानी के बारे में बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी मथानी है जिसमें कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी, बैटरी, सेल, सोलर पे कुछ भी नहीं लगता है, यानी फ्री एनर्जी, बिल्कुल फ्री एनर्जी मूवमेंट पर ये वर्क करती है, हाथ से चलती है। और इसका बनाना इतना आसान है कि आप घड़ी से मिलाकर सिर्फ आधा घंटे में से तैयार कर लेंगे। घर में आप इमरजेंसी पड़ जाए, लाइट भी ना हो, मिक्सी भी आपकी काम ना कर रही हो, तो आप अपने घर पर इस मथानी के द्वारा लस्सी, क्रीम से घी, रायता में मिलाने वाला मसाला, यानी कुल मिलाकर जो रई से या मथानी से जो काम किए जाते हैं वो आप काम इस मशीन के द्वारा, इस घरेलू हाथ की बनी हुई मथानी द्वारा कर सकते हैं। तो गाइस देखें आप लोग, यह वो मथानी है, बिल्कुल इजी आसान सिंपल तरीके से ये बनाई गई है। इसमें जो आप ये रॉड देख रहे हैं, ये लोहे की रॉड है। तो आप लोगों को क्या करना है, कोई भी 12 इंच लंबी इसकी जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक 12 इंच, वो आप लोगों पर डिपेंड करती है। आप इसकी लंबाई 10 इंच की भी रख सकते हैं, लेकिन कोई अगर 11 बर्तन है तो आपको 12 रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको रॉड लेनी है, ठीक है। ये देखना आप, ये चूड़ी वाली रॉड, मत्था वाली कहीं भी आपको हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाएगी, ठीक है। उससे बोल देना आप 12 इंची 10 नंबर चूड़ी वाली हमें एक रॉड चाहिए, वो दे देगा आपको। यदि वो नहीं मिलती आपको इस टाइप की रॉड, तो आपको क्या करना है, 2.5 सूती आप गोल सरिया लें, यहाँ पर उसको आप ये देख रहे मत्था टाइप का बनवा लें, लोहे पीटने वाले बना देंगे, 10 नंबर के आगे आप चूड़ी निकलवा लें, ठीक है, तो भी आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो प्लास्टिक का देख रहे ये मथानी का फूल है, जी हाँ, इसमें प्लास्टिक और स्टील दोनों में आता है और एल्युमिनियम में भी आता है, ठीक है। तो संभवतः आप प्लास्टिक का लें, हल्का होगा, ख़राब भी नहीं होगा, ठीक है, ये ले लें आप। और आपको ये दो 10 नंबर, ये देखो 10 नंबर वाली जो आपकी रॉड है 12 इंची, एक नट आपको यहाँ 10 नंबर लगाना, इसके पीछे एक नट आपको वासर डाल के ये देख लगा हुआ है, ये लगाना, बस इतनी छोटी सी ये प्रोसेस है और आपकी हैंडल मथानी तैयार, ठीक है। ये देखें आप लोग, तो करना क्या आप लोगों को, जैसे इमरजेंसी में आपको लस्सी बनाना है, कुछ करना है, तो आपको करना क्या है, कोई भी आप बर्तन लें उसमें आप दही डालें और ऐसे इसको दही में, बर्तन के अंदर दही के साथ इसको ऐसे इन करें और ऐसे दोनों हाथ लें, तेजी से वैसे मूव करें। तो बर्तन में आपको एक मथानी को आपको अंदर करना और ऐसे इसको फोर्सफुली फोर्सफुली चलाना, जो देखा आप लोग, तो बताइए इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी व्यय हो रही नहीं हो रही, लाइट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बैटरी की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें बहुत कम सामान लगा हुआ है। इमरजेंसी में लस्सी बनाने के सबसे बढ़िया ये उपकरण है, लंबे समय तक चलने वाला, मजबूत, इसे आप जरूर बना लें। फ्री एनर्जी मथानी, देखें आप लोग कितना गजब का वर्क कर रही है। मार्केट से जो मथानी आप लोग परचेज करके आते हैं लकड़ी की या और भी मटेरियल की, तो क्या लंबे समय तक वो नहीं चलती हैं, रीजन क्या है, लकड़ी की है, थोड़ी असावधानी हो जाए तो वो टूट जाती है, ठीक है, और उतना उसमें मूवमेंट नहीं रहता,
ठीक है, क्योंकि ये वेट ज़्यादा है, ये पतली राड है, तो पतली राड को अगर हम किसी बाहर लटके हुए वजन को मूव कराएंगे तो उसमें आरपीएम बढ़ते हैं। कैसे? ऐसे ही देखा देखा, तो इसे आप जरूर बना लें। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट स्तर रही, आप सभी लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत जरूरत के नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार।